एक्स वाई जेड कोई एबीसी इंस्टीट्यूट है, या आप कह लो कि यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग या क्लाउड कंप्यूटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज सर्वर, कई सारी ट्रेनिंग्स आप इंस्टीट्यूट में मिलती हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि आप नेटवर्क बुल्स ले लो, आप मसाई स्कूल ले लो, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्लेसमेंट बता के आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं या आपको प्लेसमेंट वो दिलाते हैं, चाहे आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ले लो। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर बोलूँगा कि देखो, अगर अपना बजट आपको लगता है कि अपना बजट अलाउ करता है कि 70 से 80 हज़ार रुपये आप पे कर सको, या 1 लाख रुपये आप पे कर सको, 1.5 लाख रुपये आप पे कर सको, चाहे वो नेटवर्क बुल्स हो, मसाई स्कूल हो, कोई भी एक्स वाई जेड आप इंस्टीट्यूट ले लो, तो आपको अगर लगता है कि वो आप उतना आप अमाउंट स्पेंड कर सकते हो अपने स्किल्स पे, तो मैं बोलूंगा कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। एंड बेस्ट क्यों नहीं होंगे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको ये उस लेवल का नॉलेज देते हैं जो कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में करता है, जैसे 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ें करता है, जैसे कि आप क्लाउड के लिए गए हो, आप IT सपोर्ट के लिए गए हो, आप नेटवर्किंग के लिए गए हो, या आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए गए हो, तो कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो उस लेवल की स्किल्स आपको देते हैं कि कोई 1 साल 1.5 साल का कैंडिडेट ऑलरेडी उन कामों को हैंडल कर रहा होता है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, होते हैं जहाँ पे 18 से 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये फीस होती है, और वहाँ पे भी आपको उस लेवल का स्किल्स देते हैं। मैं यहाँ सारे इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूँगा, बट हाँ, अगर आप बिग लाइक मेट्रो सिटीज़ में जाओगे, Tier 1 सिटीज़ में जाओगे, तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कि 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार में आपको एक अच्छी स्किल्स देने के बाद में, और ख़ुद से जॉब सर्च करके आप जॉब अपना ले सकते हो। बट द थिंग कि आप चाहे नेटवर्क बुल्स में चले जाओ, XYZ इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में चले जाओ, आप BTech कर रहे हो, BCA कर रहे हो, या BSc IT कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और मान लो वहाँ पे आपको आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, नेटवर्क बुल्स आपको जॉब दिलाने वाला है, तो इस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वो आपके ऊपर भी होती है कि आप चाहे 2 लाख रुपए दे दो, आप चाहे 1 लाख रुपए दे दो, जब तक आप अपने अंदर स्किल्स नहीं बनाओगे, अब चीज़ों को नहीं समझोगे, प्रैक्टिकली नहीं आओगे, तो आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, चाहे वो JetKing हो, नेटवर्क बुल्स हो, या कोई कॉलेज प्लेसमेंट हो। देखो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि अगर आप किसी कॉलेज से, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने BTech किया, इसके बाद क्या हुआ कि वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट दिलाने वाला है, वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट दिला रहा है, तो अगर एक बैच में 100 कैंडिडेट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ तो ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 कैंडिडेट का प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है 90 कैंडिडेट का प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है 95 का, हो सकता है 99 का, तो जो एक सिंगल कैंडिडेट बच गया, हो सकता है उनमें से आप ही हो, या उनमें से कोई एक और बंदा हो, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ो, जाओ और स्किल्स को सीखो, इसके बाद जॉब सर्च करो, क्योंकि मार्केट में जॉब्स बहुत हैं, स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अब आई डोंट नो कि आपको ये सच लग रहा होगा या आप इसको मजाक समझ रहे होगे, लेकिन ये रियलिटी है कि मार्केट में जॉब्स आज भी बहुत हैं, बट स्किल्स की कमी हो गई है लोगों के पास, इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी ओपनिंग्स नहीं आती हैं जल्दी से। प्राइवेट की बेसिकली मैं बात करूँ कि अगर आप अपने अंदर स्किल्स बनाओगे तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि वेस्टेड और वर्थ इट का यहाँ पे मतलब नहीं है, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है उस चीज़ के लिए। आप सीखो, कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो व्हाट्सएप पे मुझे आप पिंग कर सकते हो, वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।